हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉगिंग आज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम रैंक मैथ SEO प्लगइन का रिव्यू करने वाले हैं। इसके फ्री वर्जन के बारे में, इसके पेड वर्जन के बारे में बताएंगे और पेड वर्जन के क्या फ़ायदे हैं, आपको क्या क्यों पेड वर्जन के लिए जाना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप अभी तक रैंक मैथ के बारे में नहीं जानते हैं, रैंक मैथ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रैंक मैथ के बारे में जो लोगों को नहीं पता, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और जानते हैं रैंक मैथ SEO क्या है। बेसिकली रैंक मैथ SEO एक SEO प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए, जिसकी मदद से आप अपना वेबसाइट में जो भी पोस्ट और पेजेज आप लिखते हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं SEO के लिए। ये आपको सजेशन देता है बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कि किस तरह से आपको अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपके पेज में होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा जो प्रो प्लगइन है उसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं ये रैंक मैथ का SEO का जो प्रो प्लगइन है, आप देख सकते हैं मैं प्रो यूज कर रहा हूँ और इसके फायदे ये होता है कि आपको सर्च का ट्रैफिक, कितने इंप्रेशन आए, कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, एवरेज जो है पोजीशन दिखाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरह आप कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन पे कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है और मैं कहूँगा इट इज़ फार बेटर देन Yoast SEO। Yoast SEO का जो इंटरफेस है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जब मैंने भी Yoast SEO से ही स्टार्ट किया था और शुरू में उसको लर्न करने में काफ़ी टाइम लगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप Yoast SEO यूज कर रहे हैं और अगर आप रैंक मैथ पर शिफ्ट होते हैं तो रैंक मैथ SEO में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है कि आप अपना Yoast SEO का जो पूरा डेटा और पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो भी आपने उसमें SEO किया है, वो आप रैंक मैथ में इंपोर्ट कर सकते हैं विद वन क्लिक इंपोर्टर। मैंने भी यही किया था। सो इट्स एन अमेजिंग प्लगइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीटली आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में जो है रैंक मैथ SEO प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में आने के बाद आप प्लगइन पे आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंटर करेंगे रैंक मैथ। यहाँ पे सर्च करेंगे उस प्लगइन के लिए जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे रैंक मैथ के। आप यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे रैंक मैथ और जब आप इसको इंटर करेंगे आपको रैंक मैथ प्लगइन दिखेगा। ये देखिए, रैंक मैथ प्लगइन बेस्ट SEO प्लगइन फॉर वर्डप्रेस टू इंक्रीज SEO वेबसाइट। 9000 मतलब 900,000 9 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है और आप देख सकते हैं 5 पॉइंट की इसकी रेटिंग है। इट इज़ कंपेटेबल विद योर लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन और आप यहाँ पे क्लिक इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हमारा इंस्टॉल हो गया है, अब हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद इसका जो सेटअप है वो आपको सेटअप बता देता हूँ। देखिए, इसमें बेसिक सेटअप होता है, इंटरमीडिएट सेटअप होता है और बहुत एडवांस सेटअप होता है। तो आपको बेसिक सेटअप में आज बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे बोलता है कनेक्ट योर अकाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली होता ही है कि आपको जो है अपना जो रैंक मैथ का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है इनकी वेबसाइट पर जाके, और उससे फिर आपको इसको अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपने अकाउंट से कनेक्ट कर लेते हैं। मैं फटाक से लॉगिन कर लेता हूँ एंड देन आई विल रिस्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है, अब हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं और अभी हमारा जो है SEO का जो प्लगइन है रैंक मैथ, वो हमारे अकाउंट से, जो हमने रैंक मैथ की साइट पे, आप रैंक मैथ की साइट पे जाके यहाँ पे आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जब आप इसको सेटअप करते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें बताता है कि अगर आप नए हैं तो आपको ईजी, देखिए ईजी फॉर वेबसाइट यू ओनली वॉन्ट टू चेंज बेसिक लेट रैंक में डू मोस्ट ऑफ हैवी लिफ्टिंग एडवांस एंड देन कस्टम और दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर द प्रो यूजर्स। तो देखिए यहाँ पे ईजी वाले पे मत जाइए क्योंकि ईजी में वो सब कुछ खुद करता है, लेकिन आपको एडवांस में कुछ चीज़ आपको सीखनी होती है, खुद आपको कुछ करनी होती है, वो आपको आगे भी हेल्प करेगी क्योंकि ये एक ऐसे डिजिटल मार्केटिंग या SEO या ब्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड है, जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें चीज़ें खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। सो लेट्स डू योर सेल्फ, क्लिक ऑन स्टेप विजर्ड पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
योर वेबसाइट रमेश रावत, यहाँ पे देखिए आप कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अगर आपका पर्सनल ब्लॉग है तो आप ब्लॉग कर सकते हैं, कम्युनिटी ब्लॉग है या कोई न्यूज़ साइट है तो न्यूज़ साइट करिए, पर्सनल पोर्टफोलियो है वो सेलेक्ट करिए, स्मॉल बिजनेस साइट है वो, वेब शॉप अगर आपका कोई वेबसाइट शॉप मतलब जो ई कॉम होता है वो है, या पर्सनल वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली सो पर्सनल ब्लॉग, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लोगो भी डाल सकते हैं तो वो सर्च इंजन में अच्छा एक फैक्टर होता है। यहाँ पे आप सोशल इमेज का एक लॉगिन डाल सकते हैं कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आके आपका कोई कंटेंट शेयर करे तो उसके साथ आपका ये सोशल शेयरिंग का जो इमेज है वो आए, इसका रिकमेंडेड साइज होता है, साइज आप रख सकते हैं 1900x1800 pixels, यहाँ पे भी साइज दिया हुआ है, आप इसकी पेंट सेटअप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद देन सेव एंड कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कनेक्ट टू योर गूगल सक्सेस, यहाँ पे अब आपको इसको अपने गूगल अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ता है, गूगल अकाउंट से मतलब आपको वेरीफाई करना पड़ता है आपका सर्च कंसोल का विद वन क्लिक, उसके बाद आप कीवर्ड वगैरह के ट्रैकिंग कर सकते हैं और एनालिटिक्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सबमिट साइट मैप टू गूगल। यहाँ पे बेसिकली जिस भी गूगल अकाउंट से आपने अपना सर्च कंसोल का अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है, जिस सर्च कंसोल अकाउंट से अपने वेबसाइट को कनेक्ट किया है उसके साथ आपको यहाँ लॉगिन करना होता है। मेरे केस में मैं यहाँ पे उसको अभी नहीं कनेक्ट करना चाह रहा, ये जो ट्रैक कीवर्ड्स और ये सब चीज़ें हैं ये आपको प्रो वर्जन में ही मिलती हैं, बाकी और जो बेनिफिट्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं सेव एंड कंटिन्यू क्योंकि मैं नहीं कनेक्ट करना चाह रहा, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे सिंपली उस सर्च कंसोल के अकाउंट से कनेक्ट करिए जिससे आपने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया हुआ है। अब देखिए ये आता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए साइट मैप, इस पर आपको ऑन ही रहने देना है इसको, ठीक है, क्लिक करके रखेंगे, इंक्लूड इमेजेस इन साइट मैप, यस इसको भी आप ऑन करके रखिए। उसके बाद देखिए पोस्ट टाइप, आप यहाँ पे देखिए क्या क्या कर सकते हैं, पोस्ट पेजेस एंड लैंडिंग पेजेस ये आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं कैटेगरीज को नहीं जो है प्रेफर करता कि आप कैटेगरीज को मत करिए इंडेक्स, क्योंकि कैटेगरी से ये नुकसान होता है कि उसी कैटेगरी के अंदर में मान लीजिए ब्लॉगिंग का आपका एक कोई कैटेगरी है और उसके अंदर में आपने ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में पोस्ट लिखा हुआ है तो वो जो पोस्ट है वो आपका पे पोस्ट में भी आ रहा है और कैटेगरी में भी आ रहा है तो गूगल उसको डुप्लीकेट कंटेंट के रूप में मानता है, तो इसलिए आप उसे डिसलेक्ट रखिए और आप उस कैटेगरीज को यहाँ पे SEO के बेनिफिट के लिए आप इसको साइट मैप में मत इंक्लूड करिए, ये आपको SEO में नेगेटिव बेनिफिट दे सकता है, तो इसको आप अनटिक करके देन सेव एंड कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होती है SEO ट्वीक्स। देखिए नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है सेटिंग एम्प्टी आर्काइव टू नो इंडेक्स इज टू यूजफुल फॉर अवॉइडिंग इंडेक्सेशन ऑफ थिन कंटेंट पेजेस एंड डिल्यूशन ऑफ पेज रैंक एज सून एज पोस्ट इज एडेड द पेज इज अपडेटेड टू इंडेक्स। तो आपने कुछ नहीं करना, इसको टिक रहने देना है। उसके बाद देखिए नो फोनो एक्सटर्नल लिंक्स, ये आपने नहीं करना क्योंकि आप जब भी ऑन पेज SEO करते हैं तो आप किसी एक्सटर्नल अथॉरिटीज को रिसोर्सेज को आप अपने पेज में इंक्लूड करते हैं तो वो आपको इसमें इसको ऑन नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे रहने दीजिए। उसके बाद देखिए ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब न्यू विंडो, ये भी आप ऑन रखिए, आप चाहे तो इसे मना भी आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मेरे केस में मैं इसे ऑन रखता हूँ ताकि जो भी बंदा मेरी वेबसाइट पे या जो भी विजिटर मेरी वेबसाइट पे आता है और अगर वो किसी एक्सटर्नल सोर्स पे जाता है क्लिक करके तो नए पेज में ओपन होता है और बाकी वो मेरा वेबसाइट का जो पेज है वो लोड रहता है। उससे आपको कई बार बेनिफिट भी होता है कि अगर कोई वेबसाइट से भी आपका जो है स्किप नहीं करता है, तो ठीक है आप इसको ऑन रखिए और देन सेव एंड कंटिन्यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप देख सकते हैं साइट इज रेडी, इनेबल अपडेट ऑफ द प्लगइन, यहाँ से आप ऑटो प्लगइन को ऑटो अपडेट रख सकते हैं कि मतलब देखिए आपको पता है जैसे कि कभी आप कहीं चले गए, आप कुछ दिन बहुत दिन तक आप अपनी वेबसाइट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या बहुत दिन तक आप अपनी वेबसाइट को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, डैशबोर्ड में नहीं जा पा रहे हैं, आप कहीं टूर पे चले गए हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो आप उसको यहाँ पे उस केस में ऑन रख सकते हैं। मेरे केस में मैं इसे पर्सनली करता हूँ कि कई बार क्योंकि ये सब प्लगइन्स और थीम्स जो होती हैं कई बार आपकी साइट को डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसलिए मेरे केस में मैं इसे ऑन नहीं रखता, आप इसे ऑन भी रख सकते हैं, या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ कुछ दिन के लिए तो मैं सारे प्लगइन्स को ऑटो अपडेट कर लगा के चले जाता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से रिटर्न टू द डैशबोर्ड, अब हम वापस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और अब हम इसमें रैंक मैप का जो है सेटअप कंप्लीट हो गया है, अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको हैं। देखिए इसके अब ये रैंक मैप नॉर्मल फ्री वाला अकाउंट है, फ्री इज इनफ
अगर आप अभी स्टार्टिंग करें तो फ्री इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस मार्केट रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रो वर्जन के लिए जा सकते हैं। अगर आप प्रो वर्जन के लिए जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आपको कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और वो एफिलिएट लिंक होगा तो आई अर्न सम कमीशन, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरे को कुछ कमीशन होगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू, राइट। तो चलिए देखिए, 404 काउंटर आप ऑन रखिए कि इससे आपको ये बताता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए और कितने लोग जो है 404 काउंटर के साथ उनका सामना हुआ, मतलब कितनी बार 404 का आया। उसके बाद देखिए, सपोर्ट हेल्थ रैंक मत एसईओ ऑन एनालाइज कंटेंट रिटन एडवांस फील्ड इफ़ यू यूज देम एसईओ यू शुड इनेबल देम, इसको आप चाहे तो ऑन रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते। एएमपी प्लगइन अगर आपने इंस्टॉल किया तो आप एएमपी पेजेस भी कर सकते हैं, मेरे केस में मैं इसे नहीं करता। एनालिटिक्स आपको ऑन है, ये देखिए बड़ी प्रेस और ये सब अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑन रख सकते हैं, इन माई केस मैं नहीं करता, ये भी मैं यूज़ नहीं करता। इमेज एसईओ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि आप अपने इमेजेस का ऑल टेक्स्ट, आपको पता होगा ऑल टेक्स्ट इमेजेस में एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप ऑल टेक्स्ट भूल जाते हैं तो आप यहां से ऑटो इनेबल कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ऑल टेक्स्ट आपकी वेबसाइट पे जो है इनेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, डायरेक्टली नोटिफाई सर्च इंजन बिंग अपडेट व्हेन अपडेट और रिमूव, आप यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन है कि जैसे ही अपनी वेबसाइट पे आपने कुछ एडिट किया, कुछ अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली जो है सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये देखिए लिंक काउंट आप रख सकते हैं, सो ऑन रखिए। अगर आपका लोकल बिजनेस या कुछ ऐसा लोकल एसईओ आप करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। रीडायरेक्शन भी आप बेस्ट होता है, आप इसे ऑन रख सकते हैं। उसके बाद स्कीमा भी आप ऑन रख सकते हैं। रोल मैनेजर ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप रखिए क्योंकि ये आपके एसईओ को एनालाइज करता है। उसके बाद देन साइट मैप आप इसे भी ऑन रखिए। उसके बाद गूगल वेब स्टोरीज, इसका एक अलग से प्लगइन होता है, देखिए प्लीज़ एक्टिव गूगल स्टोरीज प्लगइन टू यूज़ दिस। अगर आप गूगल स्टोरीज में अपनी आर्टिकल्स वगैरह को पब्लिश कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस प्लगइन को यूज करना पड़ेगा। ई कॉमर्स प्लगइन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि मेरी वेबसाइट पर ई कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर मैं इसे ऑन नहीं रख रहा, आप इसे ऑन रख सकते हैं। इसके बाद हम और थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल में जाते हैं। अब देखिए, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला जो यहाँ पे देखिए हेल्प में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेटअप विजिट मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट का जो है प्लगइन को सेटअप करना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट में आप कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन है यहाँ पे देखिए बैकअप वगैरह, और यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट में इम्पोर्ट योर रैंक में सेटिंग। अगर आप किसी और वेबसाइट से अपनी सेटिंग्स को रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट की सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और फिर उस साइट पर जाके इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखिए, और ये डैशबोर्ड के अलावा कुछ और जनरल सेटिंग, और मैं आपको बहुत कुछ और एडवांस चीज़ें बता देता हूँ। वीडियो कम्प्लीट, क्योंकि मैं कम्प्लीट रिव्यू करने वाला, तो आपको कम्प्लीट वीडियो बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था, देखिए आपको यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिक कैटेगरी ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये आपको तभी हमने कर दिया था। उसके बाद ब्रेड क्रम्स आप ऑन रख सकते हैं, मैं कुछ पेजेस में रखता हूँ कुछ वेबसाइट ब्रेड क्रम, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट पर जाता हूँ अपनी स्लैश, और हम जाते हैं एलिमेंटोर रिव्यू, हमने एक वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले ब्रेड क्रम्स होता क्या है ताकि आपको आइडिया लगे कि ब्रेड क्रम्स बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। और देखिए ब्रेड क्रम्स बेसिकली क्या होता है कि ये आपको बिठाता है कि आप हम होम पेज पे आए, देन आप रिव्यूज़ पे आए, एंड देन आप इस पेज पे आए जिस पेज का नाम है एलिमेंटर रिव्यू बेस्ट वर्डप्रेस पेज बिल्डर इज प्लस यूजर्स। ये जो ब्रेड क्रम्स है ये आपको एसईओ में बहुत हेल्प करता है, तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। सेपरेटर आप अपने हिसाब से इस तरह का भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप देख सकते हैं मैंने ये वाला रखा हुआ है, ये आप इट्स अप टू यू, आप अपने केस में जैसे आप चाहें, क्योंकि मैं अभी ये डमी वेबसाइट है तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एसेस नहीं करने वाला हूँ। इमेजेस में देखिए ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन है, देखिए ऑल टेक्स्ट मशीन इसको ऑन करना पड़ता है ताकि वो ऑटोमेटिकली इमेज का ऑल टेक्स्ट यूज कर ले। देखिए ऐड मिसिंग ऑल टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, देन वेबमास्टर टूल्स में यहाँ पर आपको अपना सर्च कंसोल से वेरीफाई करना पड़ता है, विंग से, वाइडू से, एलेक्सा, इंडेक्स, पिंटरेस्ट वेरिफिकेशन, एंड देन दिस नोशन वेब वेरिफिकेशन। ओके, इसकी खाली ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यूज़ भी नहीं करता, इसको जरूरत करने की जरूरत नहीं। एचटी एक्सेस आपको इसको भी कुछ नहीं करना, 404 ये भी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए रिडायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखिए रिडायरेक्शन में आप इसको ऑटो पोस्ट रिडायरेक्शन को ऑन रखिए। होता क्या है कभी कभी कि आप ऑटो पोस्ट रिडायरेक्शन, मान लीजिए आपने एक अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पोस्ट किया रैंक में प्रो रिव्यू 2021, ठीक है, जब 2022 आएगा तो आप उस पोस्ट को अपडेट करना चाहोगे, जब आप अपडेट करना चाहोगे तो आपको 2021 की जगह 2022 करना पड़ेगा और आपका पोस्ट का अपडेट तो हो जाएगा, लेकिन जहां अगर आपका पोस्ट ऑलरेडी रैंक हो रहा है तो वो 2020 वाला जो पेज होगा जब वो ओपन होगा तो 404 का एरर दिखाता है। इससे आपको ऑटो रिडायरेक्शन से ये फायदा होता है कि ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्शन क्रिएट कर देता है, 2021 वाले पेज को ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा 2022 वाले पेज में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दिस राइट। सो इसको क्लिक एंड देन सेव। उसके बाद हम यहाँ पे एनालिटिक्स में जा सकते हैं, ये देखिए मैंने कनेक्ट नहीं किया, आप अपने केस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल एंड मेटा में चले, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में करते हैं, वहाँ पे हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे रोबोट नो इंडेक्स ये सब आपने कर रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पोस्ट का टाइटल, देन आपकी वेबसाइट का टाइटल, ओके। यहाँ पे लोकल SEO आपको कैसे करना है वो आप रख सकते हैं। SEO मेटा डेटा फेसबुक वगैरह का अगर आप ये देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं। यहाँ पे होम पेज में बेसिकली आपका होम पेज कैसे देता है, आप यहाँ पे साइट देखिए रमेश रावत देन पेजेज ये आ रहा है, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे आप मेटा डेटा अपनी वेबसाइट का दे सकते हैं। मैं अगर आपको मेटा डेटा दिखाऊं तो मेटा डेटा बेसिकली होता है, देखिए ये देखिए ये होता है मेटा डेटा, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ऊपर ये लिख सकते हैं, देखिए ब्लॉगिंग आस्क योर ब्लॉगिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। सो ये हो गया। उसके बाद रोबोट ये सब कुछ नहीं करना, पोस्ट फॉर्मेट आप फॉर्मेट सेटअप कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल आप मतलब एग्जांपल पोस्ट सेपरेटर देना, आपका नाम ऑथर्स ये आपको सब कुछ नहीं करना। पोस्ट का भी ये सब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कैटेगरीज वगैरह हमें इंडेक्स नहीं करनी। साइट सेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि साइट सेटिंग में आपको क्या करना है, कि आपको बेसिकली साइट मैप सेटिंग में आपको क्या क्या साइट मैप में इंडेक्स करना है, क्या क्या नहीं इंडेक्स करना है। यहाँ पे देखिए आप साइज रख सकते हैं कि आप पर साइट मैप कितने पोस्ट को रख सकते हैं, रखना चाहते हैं 200-300 आप मैक्सिमम लिमिट रख सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 200 रखिए इसको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स हमने सीख लिया रिडायरेक्शन में। आपको एक और चीज़ ये भी मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा SEO एनालिसिस पे बता देता हूँ कि SEO एनालिसिस क्या होता है, और ये हमारा कंप्लीट SEO का रैंक मैच SEO का जो है अब हमारा रिव्यू कंप्लीट हो गया। सॉरी आप यहाँ पे स्टार्ट एनालिसिस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, क्योंकि इस पर कुछ भी कंटेंट नहीं है तो ये जीरो दिखाएगा और सब कुछ अभी कुछ भी इसमें आने वाला नहीं है, बट फिर भी आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि आप 82 में आपने पास किया है, 29 वार्निंग्स हैं एंड 26 फेल्स हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, आप ऑटोमेटिक प्लग इन कौन रखिए, तो एक कॉमन कीवर्ड्स हमने नहीं डाले, देखिए मार्केटर रमेश रावत ये सब अपने आप ले लिया, ये हमने नहीं डाला H1 ये, ठीक है, लिंक बायो नहीं डाले, ठीक है, ये टाइटल हो गया ये कर लिया हमने। यहाँ पे फोकस कीवर्ड मतलब हमने कोई पोस्ट लिखी नहीं है तो वो है, ठीक है, ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे। तो आप इस तरह से आप अपना SEO चेक कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं नॉन WWW एंड नॉन WWW जो हमने यहाँ पे जो है रिडायरेक्ट नहीं किया, ये सब हो गया, साइट कंसोल को कनेक्ट नहीं किया, CSS वगैरह जो है इसको थोड़ा मिनिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सजेशन भी देता कैसे फिक्स करना है, यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा बहुत डिटेल में है। इस तरह से देखिए आप यहाँ से SEO चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ ये कंप्लीट रिव्यू हो गया रैंक मैथ SEO का फ्री वर्जन का। पेड वर्जन की मैं बात बताऊं तो मैं आपको अपने दूसरे ब्लॉग पे ले चलता हूं, जहां पे मैं आपको पेड वर्जन में देखिए आपको क्या फ़ायदे होते हैं। पेड वर्जन में बेसिकली सब कुछ सेम चीज़ें होती हैं, मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। पेड वर्जन में बेसिकली ये होता है कि जो आपका एनालिटिक्स है वो आपका एनालिटिक्स का अकाउंट कनेक्ट जब हो जाता है तो आप फ्री वर्जन में आप कनेक्ट कर सकते हो, बट आप कीवर्ड वगैरह ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और पेड वर्जन में आप अपने कीवर्ड वगैरह को ट्रैक कर, देखिए यहां पे अभी आपको बताता है कि ओवरऑल 90% 94, ठीक है, कि फेयर है पोर है, और यहां पे इतना सर्च इंप्रेशन हमें आता है, इतने ट्रैफिक मिला है, इतने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ये हमारी एवरेज पोजिशन है। यहां पे ऑल कीवर्ड्स हैं, लूजिंग कीवर्ड्स, टॉप विनिंग कीवर्ड्स ट्रैक, यहाँ पे आप कीवर्ड्स को ट्रैक भी कर सकते हो कि ये देखिए आप बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरफ से आप देख सकते हो कि टॉप
थ्री टॉप 10 और 10 to 50, यहाँ पे आपके विनिंग पोस्ट, आपके लूजिंग पोस्ट, यहाँ पे कितना इंप्रेशन आता है, कितने क्लिक्स आते हैं, रैंकिंग पोजीशन अप एंड डाउन, ठीक है। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, देखिए साइट एनालिसिस कहाँ के लिए यहाँ पे है कि क्या स्कोर है, क्या क्या करना है आपको, ये देखिए दिखाता है कौन सी पोस्ट में क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एसईओ का परफॉर्मेंस दिखाता है आपको कि क्या चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेटेस्ट इसमें अपडेट आया वो ये है कि कब कब गूगल का एल्गोरिदम अपडेट आया वो आपको बता दें। ये आपको जो जी का साइन दिख रहा है इसका मतलब ये गूगल का एल्गोरिदम अपडेट है। तो इसके आने के बाद आपको क्या बेनिफिट हो, आप देख सकते हैं इसके यहाँ, पहले अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे 440 पेज व्यूज थे, इतने इंप्रेशन थे, इतने कीवर्ड्स रैंक कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने बढ़ गया है, ठीक है। फिर आपको आया, फिर यहाँ गूगल का अपग्रेड आया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अप एंड डाउन। तो इस तरह से आप गूगल का अपडेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाकी और चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया, विनिंग एंड लूजिंग पोस्ट दिखाता है, आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके साथ कर सकते हैं ट्रैकिंग, कीवर्ड्स आप ट्रैक कर सकते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ है। देखो आप, ये आपको बताता है कितने कीवर्ड, यहाँ पे भी आपको अपडेट दिखाता है कि कब कब गूगल का एल्गोरिथम अपडेट आया, तो उससे आपको क्या इफेक्ट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इन कीवर्ड्स को ट्रैक करता हूँ, आप देख सकते हैं पोजीशन 3 पे आ गया, 1 डाउन हो गया, 84 डाउन हो गया, बढ़ गया, घट गया, यहाँ पे आपको सब दिखाता है। देखिए 2 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ऐसे करके अप एंड डाउन आपको दिखाता है सारी चीज़ें। देन रैंक ट्रैकर, यहाँ पे आप अपनी कीवर्ड्स को रैंक कर ट्रैक कर सकते हो, कौन सी पोजीशन पे, देखिए आप देख सकते हैं 5 नंबर पे चल रहा है, कुछ मतलब चेंजेस नहीं हुए लेकिन इंप्रेशन बढ़ गए, 5-1 डाउन। इस तरह से जो है आप जो भी कीवर्ड्स को रैंक ट्रैक करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट रैंक मैथ एसईओ प्लगइन, कंप्लीट रिव्यू फॉर पेड एज वेल एज द प्रो प्लगइन। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, अगर ये वीडियो अच्छी तो आप इसे थम्स अप देख सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।